ये कुरान क्या है? रसूलुम मिनल्लाह यतलू सोहफन मुतहरा। ये मोहम्मद अल्लाह की तरफ से भेजा हुआ रसूल है और ये कुरान ताहिर सहीफे हैं। देखो ज्यादा सहमत नहीं लूंगा लेकिन जान ले आया हूँ, बार रुक के सुनना, शायद शायद तुम्हें कोई दलील मिल जाए। क्या कहा? सोहफन मुतहरा, ये पाक सहीफे हैं। कुरान के सूरे क्या है? पाक सहीफे हैं। ये आयत थी सूरे बैना की, ये तीसरे पारे से कोट कर रहा हूं और अब सूरे अबस, वो भी तीसरे पारे का सूरा है भाई। अजीब और गरीब जुमला कहा परवरदिगार ने, पूरी आयत ही पढ़ूंगा। मरफू अतन मुतहरा, ये जो हमने कुरान नाजिल किया है इसका हर जुमला बहुत बुलंद है, मुतहरा हर जुमला पाक है। तो कुरान भाई अब जुमला जहन में महफूज रखना। तौरात मेरे सर आंखों पर, लेकिन तौरात को हाथ लगाना हराम नहीं है। इंजील मेरे सर आंखों पर, लेकिन इंजील को बगैर वुजू के हाथ लगाना हराम नहीं है। लेकिन कुरान इतना पाक है कि बगैर वुजू के हाथ भी नहीं रख सकते। भाई ये फकी मसला तो मेरे सारे सुनने वालों को मालूम है ना कि नजीस आलम में कुरान पर हाथ नहीं रख सकते। अच्छा देखो, नजीस आलम की बात नहीं कर रहा हूं, तुम इस वक्त पाक बैठे हुए हो, बगैर वजू के जरा हाथ रख दो तो तुम्हें, तुम पाक हो, पाक हो, लेकिन तुम्हें एक एक्स्ट्रा तहारत चाहिए कुरान को हाथ लगाने के लिए। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, एक इजाफी तहारत चाहिए कुरान को हाथ लगाने के लिए। तो इतनी ताहिर किताब भाई उतरे किस पर? बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ताहा आए तैये बताए। जैसा ताहिर कुरान वैसा ताहिर कल्बे मोहम्मद। तो अब मेरे जुमले को याद रखोगे? बस मैंने आज बड़ी सहमत दी, लेकिन अगर मेरा जुमला याद रख सको तो याद रखना। तुम्हारा साथ कुरान का कब तक है? मैं अपनी मिसाल दे दूं, मेरा साथ कब तक है? जब तक मैं नजिस नहीं हूं। इधर मैं नजिस हुआ, मेरा साथ छूट गया। ऐसा है या नहीं? वो मर्द हो या औरत हो, कुछ महीने महीनों में कुछ दिन औरत के भी ऐसे हैं कि वो कुरान को हाथ नहीं लगा सकती, वुजू करके भी नहीं लगा सकती। भाई बहुत सच्ची बात सुनना, तो तुम्हारा साथ कुरान का उस वक्त तक है जब तक तुम ताहिर हो। इधर पूरी इंसानियत को कह रहा हूं, इधर नजिस हुए कुरान के साथ छूट गया। तो कुरान के हमेशा साथ रहने के लिए हमेशा ताहिर होना जरूरी है। इसीलिए मेरे नबी ने कहा अल कुरान वालियन वालियन अल कुरान। बस मेरे अजीजों, मेरे दोस्तों, अगर गुंजाइश होती तो मैं तफसील में जाता। इतना इत्तेहाद है अली में और कुरान में, कभी फिर सही ये हदीस जहन में रख लेना, अल कुरान मा अलीन व अलीन मा कुरान, कुरान अली के साथ है, अली कुरान के साथ है। तकरीर फिर कभी होगी। मैंने इस मिंबर से जुमला कहा था कि अली और कुरान में इतना इत्तेहाद है कि अगर कुरान इंसानों में होता तो नाम अली होता, और अगर अली किताबों में होते तो नाम कुरान होता। यह तना अली का करिश्मा नहीं है, मैं खानदान की बात कर रहा हूं। यानी इतना इत्तेहाद है कुरान में और आले मोहम्मद में कि सर कटकर नोके नजा पे आ गए, धड़ कर्बला के मैदान में पड़ा और लभाए मुताहत कुरान की तिलावत।